एनवायरनमेंट है, बच्चे ने तो 2 घंटे या 6 घंटे आके सोना है, बाकी तो उसने सारा बाहर रहना है। इवन के बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो 6 घंटे स्कूल में क्या सीख रहे हैं, और बाहर जो माहौल में खेल रहे हैं इर्द गिर्द के कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो वहाँ वो क्या कुछ सीख के आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको अपनी बात बताता हूँ, वो कहते हैं 6 साल से लेके 13-14 साल का एज ग्रुप है। जी जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस ग्रुप में हमें, इस फेज में हमें बच्चों को कैसे डील करना है, पेरेंट्स को कैसे डील करना है, इसके ऊपर लेक्चर रख सकते हैं। ऐसे ही है ना, आपने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा कि बच्चे जो है ना, मतलब माँ बाप का आईना होते हैं। मतलब फौरन पहचाना जाता है कि यार ये फलां का बेटा है, किरदार से भी पता चलता है, वैसे भी खून बोलता है। ये सारे वो मामलात हैं जो कि इंसान जो है ना, मतलब है, हम लोग माशरे में भी देख रहे हैं, अपने अजीज़ों में भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके बदले में करके आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। डेफिनेटली बाज़ औक़ात बच्चे वालदेन की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वालदेन बच्चों की वजह से पहचाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पेरेंटिंग एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत कुछ अभी लर्न करना है। ठीक है ना, जब तक हम बच्चों से एक ख़ास एज में अपना रिलेशन डेवलप नहीं करते, जैसे कि टीन एज का है सेगमेंट, जैसे अभी आपने कहा इमोशन और बिहेवियर को चेंज करना कोई इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, तो उसमें आपको जब तक आप अपने उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, दोस्ताना माहौल नहीं रखेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटिंग एक टॉपिक ऐसा है जिसपे हमें बहुत कुछ अभी लर्न करना है। बच्चों में देखिए कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? सर आप बताएं किसी भी टॉपिक के हवाले से कि ये क्या नेक्स्ट टॉपिक